गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप देख रहे होंगे आपके सामने हम लोग पढ़ रहे थे घड़ी घड़ी को। हम पढ़ रहे हैं पार्ट थ्री, ठीक पार्ट है। तीसरा पार्ट मैं पूरा कर रहा हूँ और इस पार्ट में आपकी घड़ी पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट में क्या रह गया था हमारा घड़ी वाले में। देखिए, हमारे दर्पण वाले हो गए थे, जल प्रतिबिंब हो गए थे, कोण ज्ञात करना हो गया था, बाह्य कोण हो गया था, संपाती हो गया था, लंबवत हो गया था। अब हमारे ये दो टॉपिक रह गए थे, एक नंबर 7 और एक नंबर 8। चलिए मैं इन दोनों पे डिस्कस कर रहा हूं और आपका घड़ी वाला सेक्शन जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, संदेखिए, संदेखिए का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब सुइयां जो है एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुइयां अपोजिट होंगी तो इसका मतलब उनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री या 100 से चलने के लिए उनके बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए? 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, ठीक बात है। 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। यहां पर अगर जो मैं रिकॉल करूं आपको, तो याद होगा कि 90 डिग्री के लिए कितने मिनट थे? 90 डिग्री के लिए 15 मिनट थे, ठीक बात है, आपको याद होगा। इसी तरह संपाती होने के लिए कितना? थीटा इज इक्वल टू क्या था? 0 डिग्री, ठीक बात है, ये आपको याद होगा। ये मैं आपको करा चुका हूं, लंबत वाले करा चुका हूं, संपाती वाले करा चुका हूं। अब मैं आया हूं संरेखीय यानी कि विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में सीधा सीधा वही फंडा है जो हम पीछे करते आए हैं, 30 मिनट का अंतर बनाना सुइयों के बीच में और हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये संपाती, ये आप देख रहे हैं संरेखीय है, एक दूसरे के विपरीत है, 180 डिग्री का कोण है और मिनट देख लीजिए कितने हैं, 5, 5, 5, 5, 5, 5। तो इन्हें अब अगर जोड़ेंगे इन्हें तो ये टोटल हो जाएंगे 30 मिनट। इसका मतलब ये है कि हमें दो सुइयों के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण बनाना है तो हमें क्या कर देना है, हमें 30 मिनट का अंतर कर देना है। आप जानते ही हैं 5 मिनट 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा, ठीक होगी बात। और यहाँ पे मैं एक दो चीज और बता दू फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए जो संरेखीय है यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एक घंटे में सुइया में एक बार बनता है दोनों सुइयों के बीच में। कौन सी सुई? एक घंटे की सुई होती है ये वाली, और ये वाली कई की सुई होती है, मिनट की सुई होती है। इन दोनों के बीच में एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक बात है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में आप समझ जाइए 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 11 बार। ये आपको याद कर लेने हैं। क्यों ऐसा होता है तो देखिए, आप मैं आपसे कहूं 1 से 2 बजे के बीच में मैं कहूंगा एक बार होगी, 2 से 3 के बीच में मैं आपसे कहूंगा आप कहेंगे एक बार होगी, लेकिन 6 से 7 के बीच में कितनी बार आप कहेंगे? नहीं होती, ठीक बात है। 6 से 7 के बीच में इनके बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, क्योंकि 6 बजे ही बन जाता है ना। तो इसीलिए यहां पर एक कम हो जाता है, आप देखिए 12 घंटे में, और 24 घंटे में कितने कम हो जाएंगे? 24 घंटे में 2 कम हो जाएंगे, ठीक बात है। 24 घंटे में 22 बार हो जाए। जस्ट ये तो आपको पता ही लग गया कैसे, मैं पीछे भी बता चुका हूं, सेम है। चलिए सवालों पे फोकस करते हैं। आइए, तो अब यहां से हमें पता लगा एक घंटे में एक बार बनाना है, है ना। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं एक बार, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाले बने थे, ये भी एक घंटे में कितनी बार बन रहा था? एक बार। थीटा इज इक्वल टू 90 बनाया था हमने, ये एक घंटे में कितनी बार बन रहा था? ये एक घंटे में 2 बार बन रहा था, तो इसलिए 2 अलग अलग समय आए थे एक घंटे में। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 180 पूछेगा तो आप एक घंटे में कितनी बार बनेगा? ये एक बार, ठीक होगी बात। ये याद रखिएगा, कभी छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सवालों पे आते हैं। चलिए मैं वैसे ही सवाल कराता हूं, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिए। आपसे पूछे 1 से 2 बजे के बीच थीटा कब 180 डिग्री होगा, तो आपको 1 बजे, 1 से 2 बजे के बीच में, तो आप
एक बजा लीजिए, ये मैंने बजा दिया, ये एक हो गया, ये 12 हो गया, ठीक हो गई बात। तो इनके बीच में मुझे कितने मिनट का अंतर करना है, इनके बीच में मुझे 30 मिनट का अंतर करना है, और अभी कितना है, अभी है 5 मिनट का, 5 मिनट का करूंगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद सुई घूम करके कहां आएगी, 6 पे आएगी, तो देखिए अब हो जाएगा ये 30 मिनट का। तो सुई को टोटल कितना चलना पड़ा, सुई को टोटल कितना पड़ा, नहीं 30, 7 पे नहीं, 7 पे आएगी, यहां पर नहीं, यहां पर आएगी जब सुई, तब होगा उनके बीच में ये 30 मिनट, ठीक बात है। तो आप देखेंगे सुई को कितना चलना पड़ा, 5 मिनट तो पहले चलना पड़ा, और फिर दोनों के बीच में 30 मिनट का अंतर करने के लिए 30 मिनट में चलना पड़ा, तो टोटल सुई को कितना चलना पड़ा, 35 मिनट चलना पड़ा। बस सीधा सा फंडा है, 35 × 12/11, तो आप गुना करिए, 12×5=60 की 0 हासिल लगा, 6 × 12=36 और 6=42, 42/11, अब 11 किया 33 बचे कितने, 9, 11×6=88, बचे कितने 2। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा हमें 1:38 सही 2/11 मिनट पर थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 180 डिग्री, यानी कि सुई अब एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। तो आप देख लेंगे लगभग यही टाइम हो रहा होगा एक साथ के बाद। इसी तरह अगर जो बात करूं मैं 2 से 3 बजे के बीच, इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए 2 बज रहे होंगे तो कुछ इस तरह का होगा, ये 2 पे होगी सुई और ये वाली सुई 12 पर होगी। हमें ये पहले कितना अंतर है, पहले ही 10 मिनट का अंतर है, आप जानते हो। हमें करना कितना है, हमें करना है 30 मिनट का। तो 30 मिनट का करने के लिए सुई को कितने पे आना पड़ेगा, 8 पे आना पड़ेगा। तो 30 मिनट तो ये चली और पहले 10 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 30 = 40 मिनट चलना पड़ा सुई को। अब 40 मिनट चलना पड़ा तो इसे 12/11 कर दीजिए, तो 12×48/11, तो 11×44, 11×33, बचे कितने 7, ये आ गया, यानी 2:43 सही 7/11 पर सुइयों के बीच में क्या होगा, सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। देखिए ये पैटर्न डेवलप हो जाएगा, जब हमने 1 बजे किया तो 35, 2 से 3 किया तो 40, अब 3 से 4 करूंगा तो 45 × 12/11, 4 से 5 करूंगा तो 50 × 12/11, इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक होगी बात। चलिए ये पैटर्न डेवलप हो जाएगा और आपके सारे आंसर निकल जाएंगे, देखते हैं। 4 से 5 के मध्य निकाल देता हूं मैं जो लिखे हुए हैं, देखिए 4 से 5 के मध्य स्थिति कुछ ऐसे होगी, ये 4 और ये 12 है ना, अभी इनके बीच में कितना अंतर है, अभी इनके बीच में आप देख सकते हैं 20 मिनट का अंतर है। हमें करना कितना है, हमें ये 20 मिनट इधर को चलेगी तो 0 हो जाएगा, उसके बाद हमें कितना करना है, उसके बाद हमें 30 मिनट का करना है, 30 मिनट का करना है तो मतलब हमें कहाँ पे ले जाना पड़ेगा सुई, हमें 5 खाने चलाने पड़ेंगे, तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सुई हो गई आपकी। तो देखिए एक खाना ये रहा, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि सुई को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, सुई को हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाकर के इनके बीच में ये 30 होगा, ठीक होगी बात। अब 30 होगा, 20 पहले चली थी, 30 ये तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 × 12/11, तो आप गुना कर दीजिए, 600/11, 11×55, ठीक होगी बात। बचे कितने, 5, 11×44 सही 6/11, इसका मतलब 4:54 सही 6/11 पर थीटा कितना होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक होगी बात, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे सवाल कर लेंगे 180 डिग्री के, 8 से 9 के बीच में आप देख लेते हैं। मैं घड़ी बना रहा हूं और घड़ी में 9 यहाँ होता है तो 8 कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 12, मैंने कहा 8 से 9 के बीच में, सवाल की डिमांड क्या है, 8 से
नौ के बीच में, 8 बज रहे होंगे ऐसे, इनके बीच में कितना अंतर है आप देखिए, 10 11 देखिए कितना है, 5 5 5 और 5, ऑलरेडी कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, और मुझे करना कितना है, 30 मिनट का अंतर करना है, तो मैं सुई को 10 मिनट और चला दूंगा, ठीक होगी बात, तो ये सुई यहां पे आ जाएगी, तो मैंने कितना चलाया सुई को, 10 मिनट चलाया, 10 मिनट चलाया, बाकी 12/11 यानी कि 120/11, 11 एकम 11 धाम 110, 10 सही 10/11, इसका मतलब क्या है, 8:10 सही 10:11 पर सुइयों के बीच में थीटा विल बी 180 डिग्री। आप कोई भी सवाल इस तरह से कर सकते हैं जहां पर आपको टाइम पूछे और कोण बता रखा हो, ठीक है। चलिए ये सारे सवाल हो जाएंगे, 6 से 7 बजे वाला भी, 4 से 5 वाला भी, 9 से 10 का भी, 8 से 9 का भी, 1 से 2 का भी, 4 से 5 का भी, 4 से 5 का रिपीट हो गया है देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, इनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है घड़ी का धीरे चलना या घड़ी का तेज चलना, ठीक होगी बात। चलिए देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज समझा देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो तेज या धीरे चलने में घड़ी के 3 तरह के सवाल होते हैं, कितने, 3 प्रकार, कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। अब मैं 3 प्रकार लिख रहा हूं तो मेरे सवाल पूरा हो जाएगा, तेज चलने का 3 कंडीशन बनती हैं, वो मैं तीनों की तीनों लिख रहा हूं, तीनों की तीनों में कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब घड़ी एक बार मंद या तेज हो रही है, ठीक बात है, नंबर एक केस, ठीक बात है। नंबर दो केस, घड़ी जब घड़ी एक बार मंद या तेज, पुनः तेज या मंद हो रही है, ठीक बात है, मंद हो रही हो, आप समझ गए इस बात को। यहां पर एक ही घड़ी है, वो एक बार या तो मंद हुई या तेज हुई, यहां पर ऐसा भी हो सकता है दो घड़ी हो, या फिर एक ही घड़ी दो बार तेज हो या मंद हो, ठीक बात है, आप देख सकते हैं। तो दूसरा केस ये बनेगा, और तीसरा केस जब बनता है तो आप देखिए तीसरे केस में हमें दिन दे रखे हों और घंटे ना दिए हों, और घंटे ना दिए हों, अभी समझाता हूं मैं आपको। तीसरा केस ये है, तीसरा केस में घंटे ना दिए हों तो हम घंटे कैलकुलेट करके सवाल को निकाल लेंगे, अभी समझाता हूं, सवाल में आइए, आपको टाइप समझ आते रहेंगे। देखिए तेरा एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, ये दे रखा है पहले, तो आवर दे रखी है, क्या हर घंटे में 20 मिनट मंद हो रही है, ठीक बात है। तो कह रहा यदि सुबह 8 बजे सही समय दिखाया तो अगली बार सही समय कितने बजे दिखाएगी, तो हो गया हमारा ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट हो गया। आप देख सकते हैं एक घड़ी एक बार मंद हुई या तेज भी हो सकती थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए मान लीजिए सुबह के 8 बजे हैं तो उसे लिखते हैं हम 8 AM, सुबह के 8 AM, आप जानते हैं इंग्लिश में एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन होता है। अगर जो मैं 12 घंटे जोड़ू उसमें तो ये शाम के 8 बज जाए, ठीक है, शाम के, अगर ये बुधवार था तो ये भी क्या रहेगा, ये भी बुधवार शाम हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे होता 8 AM है, ये है बुधवार का, और इसमें 24 घंटे जोड़ते तो ये क्या होता, ये 8 AM होता, लेकिन कब होता, ये होता थर्सडे का यानी बृहस्पतिवार का हो जाता,
है ना, गुरुवार या बृहस्पतिवार जो भी आप कहते हैं। इसी तरह से अगर जो मान लो मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल करते हुए 36 घंटे आए, देखिए अगर मान लीजिए 8 AM है बुधवार का और 36 घंटे बाद क्या होगा, तो 36 घंटे बाद मैं इसे कैसे तोड़ूंगा, मैं इसे ऐसे तोड़ूंगा 24 + 12, तो जब 24 जोड़ूंगा तो 8 AM बृहस्पतिवार आ जाएगा, लेकिन अभी 12 घंटे रह गए हैं तो इसमें 12 घंटे और जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 घंटे जोड़ते ही 8 PM आ जाएगा, कब का, बृहस्पतिवार, ठीक होगी बात, बृहस्पतिवार। तो इस तरह से अगर ये 48 घंटे होते तो क्या होता, अगर जो 48 घंटे होते, 48 घंटे अगर इसमें जोड़ता मैं तो ये आता क्या, ये आता 8 AM ही आता, यानी 2 दिन, और कब आता ये, शुक्रवार का, ठीक है। इस तरह से अगर आप जोड़ पाएंगे तो ये सवाल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं एक चीज और बता दूं, इसमें फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए और चीज क्या बतानी मुझे, आप ये देख लीजिए, देखिए नोट क्या करें, नोट 12 घंटे में घड़ी में समय की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, भले देखिए ये 8 AM था बुधवार का, इसमें 12 घंटे जोड़ू मैं अगर तो ये क्या हो जाएगा, 8 PM हो जाएगा, कब का, बुधवार का। अब मैं 12 घंटे में देखिए टाइम तो रिपीट हो गया, यहां पे भले AM से PM हुआ है लेकिन 12 घंटे में क्या होता है, टाइम रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है घड़ी जो है 12 घंटे में अपने समय की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि दोबारा वही समय दिखाती है। यहीं से मेरे सवाल हो जाएंगे। अब पहले वाला जो सवाल है वो देखिए, 12 घंटे का मतलब क्या होता है, 12 घंटे को अगर जो मैं मिनट में निकाल लूं, 12 × 60 = 720 मिनट, ठीक हो गई बात। तो अब आप देखिए सवाल करते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे आप, जब इस तरह का सवाल हो टाइप वन हो तो आप क्या करेंगे, आवर गुना 720 / m, m का मतलब है जो भी मंद या तेज हो रही थी, हो रही थी नहीं हो रही थी। अब देखिए आवर क्या है, आवर का मतलब क्या है, कितने घंटे में लेट हो रही है, वो प्रत्येक घंटे में लेट हो रही है, तो आवर आ गया हमारा 1, ठीक हो गई बात। मैंने आपको कहा 12 घंटे में क्या करती है घड़ी, अपने समय की पुनरावृत्ति करती है, तो मैंने मिनट में क्यों रखा, क्योंकि यहां पर लेट कितने में हो रही है, 20 मिनट में हो रही है, तो मिनट में ही देखनी सारी यूनिट, तो 20 मिनट मंद हो जाती है तो 20 मिनट यहां आ जाएगा, आप काटिए तो क्या आ गया, ये 36 आ गया, 36 घंटे आ गया। अब 36 घंटे आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि समय, सही समय कब दिखाया था घड़ी में, सुबह 8 बजे, तो अगला समय कब दिखाएगी, देखिए सुबह 8 बजे दिखाया था, अगर दिन नहीं दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, 36 घंटे, 36 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 24 + 12 = 24 घंटे जोड़ेंगे तो अगले दिन का नेक्स्ट डे का 8 AM हो जाएगा। सपोज अगर मैं कहूं ये वेडनेसडे है तो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और थर्सडे में 12 और जुड़ेंगे तो ये 8 PM हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा थर्सडे इवनिंग। तो आप क्या कहेंगे, अगले दिन शाम को घड़ी सही समय दिखाएगी, कब दिखाएगी सही समय, अगले दिन शाम को, ठीक हो गई बात। तो आप समझ गए होंगे टाइप वन को, आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहां से हो जाएगा आपका टाइप वन। एक ही घड़ी है और वो या तो तेज हो रही है या मंद हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेज मंद होती है, आपने ये रखना है बस नीचे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर दे रखा होता प्रत्येक 2 घंटे में तो मैं एच की जगह 2 रख देता, अगर यहां पे दे रखा होता 4 घंटे तो मैं एच की जगह 4 रख देता और मेरा आंसर निकल जाता, ठीक होगी बात। मैं समझता हूं आप समझ गए, चलिए नेक्स्ट चलता हूं। देखिए वही सवाल है उसी तरह का, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, घंटा एच हो गया 1,
गुना 720 बटे क्या हो रही है 15 मिनट तेज हो रही है, 15 मिनट तेज रख दिया मैंने, ठीक बात है, मेरा आंसर 15 चुके 60 बचे कितने 12, 15 छे 120, तो क्या है 48 घंटे। और यदि बुधवार 8 बजे सही समय दिखाया तो बुधवार सुबह 8 बजे यानी 8 एम इसमें 48 जोड़ेंगे तो 48 घंटे यानी कि दो दिन, दो दिन का मतलब क्या हो जाएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार 8 एम पे घड़ी क्या दिखाएगी सही समय दिखाएगी, ठीक होगी बात, तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक होगी बात। चलिए ये टाइप वन का ही सवाल था, नेक्स्ट चलता हूं। चलिए कह रहा एक घड़ी हर एक घंटे में, हमें दिख गया एच दे रखा है, 10 मिनट तेज हो रही है जबकि दूसरी घड़ी एक घंटे में 10 मिनट मंद हो रही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी तेज हो रही है एक घड़ी मंद हो रही है, इन्हें शनिवार सुबह 6 बजे मिलाया जाए तो पुनः सही समय कब दिखाई, ठीक बात है। देखिए यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है कि एक घड़ी तो फास्ट हो रही है और एक क्या हो रही है स्लो, ठीक बात है। अब यहां पर देखिए पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक यह है आप एच लिखेंगे गुना 720 वही पीछे वाला बटे, अब दो समय दे दिए तो दो समय एम वन प्लस माइनस एम टू लिख देंगे, ये है इसका शॉर्टकट ट्रिक। आप कहेंगे प्लस माइनस, अब हमें यह देखना है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। देखिए अगर दोनों अपोजिट है, एक तेज हो रही एक स्लो हो रही, तो ये क्या होंगे ये जुड़ेंगे, अगर पहले वाली स्लो हो रही दूसरे वाली फास्ट हो रही तब भी ये जुड़ेंगे, दोनों स्लो हो रही तब ये माइनस होंगे और अगर दोनों फास्ट हो रही है तब भी ये क्या होंगे माइनस होंगे। अब मेरा आंसर निकल जाएगा यहां से, देखिए कितना आसान हो गया, एच कितना है हर एक घंटे में, एच तो एक ही है 720 में जू का तू रखूंगा, एक बार 10 मिनट, ये एम वन ये है और ये एम टू है, 10 मिनट तेज हुई 10 मिनट मंद हुई तो 10 प्लस 10 तो क्या हो गया 20, 720 बटे 20 ये कट गया तो क्या आ गया 36 घंटे आ गया। 36 घंटे का मतलब क्या है, शनिवार सुबह 6 बजे मिलाया आपने, आपने मिलाया सैटरडे 6 एम, 36 जोड़ना है तो 24 प्लस 12 तो जैसे ही 24 जोड़ेंगे हम इसमें तो हमारा हो जाएगा संडे 6 एम प्लस 12 रह गया, 12 और जुड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा संडे 6 पीएम, ये शाम का समय हो जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये आपका टाइप टू हो गया, क्या हो गया ये आपका टाइप टू हो गया, ठीक बात है, बस एक टाइप रह गया आपका सवाल सारे हो जाएंगे, ये टाइप टू हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये आपका शुरू होता है टाइप थ्री, टाइप थ्री में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था घंटे नहीं दिए होंगे, यही तो लिखा था मैंने टाइप थ्री में, कैसे घंटे नहीं दिए होंगे अब देखते हैं। देखिए कह रहा मंगलवार सुबह देखा गया तो 5 बजे 4 मिनट तेज हो गई, अब आप बताइए यहां तो नहीं दे रखा कि हर घंटे में इतनी तेज हो रही हर घंटे में इतनी मंद हो रही है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फिर मैं आपको सवाल समझाता हूं। इसका फॉर्मूला है एम वन गुना एच बटे एम वन प्लस माइनस एम टू, वो तो आपको पता ही है मैंने बता ही दिया प्लस माइनस कब होगा, ऊपर एम वन आएगा। अब आपके लिए ये है सरदर्दी कि इसमें आपको एच नहीं दे रखा है तो हमें एच कैलकुलेट करना है बस हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है, पहले कब देखा गया घड़ी को, पहले देखा गया कब देखा गया, बस आपको वो कैलकुलेट कर लीजिए एच निकल जाएगा। मंगलवार, मंगलवार कब देखा गया 5 बजे सुबह 5 बजे यानी कि 5 AM देखा गया। अगली बार कब देखा गया, अगली बार देखा गया बृहस्पतिवार को, लिखा है ना बृहस्पतिवार लिख लीजिए चाहे आप इसे गुरुवार लिख लीजिए, ठीक हो गई। कब देखा गया सुबह 5 बजे देखा गया तो ये आ गया सुबह 5 बजे। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए कितने घंटे बाद दोबारा देखा गया है, मंगलवार के बाद बुधवार सुबह तो 24 घंटे, फिर बुधवार से बृहस्पतिवार सुबह फिर 24 घंटे,
यानी कि आपने कितने घंटे बाद देखा, 48 घंटे बाद देखा, बस मेरा एच निकल गया, मेरा काम खत्म हो गया। इस तरह से आप एच कैलकुलेट कीजिए। एम वन कितना है, 4 मिनट, ये है एम वन आपका, ठीक हो गई। और ये क्या है आपका एम टू, ठीक हो गई, ये एम वन है आपका। तो एम वन की जगह 4 रख दिया, घंटे कितने निकाले मैंने, 48 बटे, एक बार क्या हुई थी तेज और एक बार क्या हुई थी धीमी, जब दोनों एक बार तेज और मंद होते हैं तो क्या होती है, दोनों जुड़ जाती है, यानी कि 4 + 8 और मेरा काम खत्म हो जाएगा। 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 चौके 48 और 4 चौक 16, यानी कि क्या आया, 16 घंटे आए। इसका मतलब क्या है, देखिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है मंगलवार सुबह 5 बजे देखा गया था और अगली बार देखा गया गुरुवार को। देखिए मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं 5 AM कब, मंगलवार, और अगली बार कब देखा गया था, अगली बार देखा गया था गुरुवार, कब देखा गया था 5 AM, यहां भी सुबह देखा गया था। इनके बीच में इसने सही समय दिखाया कितने, 16 घंटे बाद, तो इसमें 16 जोड़िए, पहले आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 PM बुधवार का, है ना, मंगलवार का, ठीक बात है, मंगलवार का क्या हो जाएगा 5 PM। अब इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बजे, 9 PM मंगलवार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब घड़ी ने मंगलवार रात को 9 बजे सही समय दिखाया होगा, ये आपका आंसर है। उसने यही पूछा है, एक बार देखा गया तो इतनी मंद तेज थी, दूसरी बार देखा गया तो इतनी मंद थी, तो इनके बीच में उसने कब सही समय दिखाया होगा, इनके बीच में उसने 9 PM मंगलवार को सही समय दिखाया, यही तो निकल के आया हमारा 16 घंटे। तो 16 घंटे जोड़ दीजिए बस पहले वाले समय में, जब पहली बार देखा गया उसमें जो घंटे निकल के आएंगे वो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका Type 3 हो जाएगा, ठीक है। यही सवाल हैं घड़ी के जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपका पूरा हो गया घड़ी वाला, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, Type 1, Type 2, Type 3 तीनों के मैंने आपको सवाल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।